केंद्र के अलावा उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में डीएलएड, डीएड, बीटीसी, बीएड पास अभ्यर्थी सीटेट 2021 की परीक्षा का लगातार इंतज़ार कर रहे थे। और इसी क्रम में यहां पर सीबीएसई ने बड़ी घोषणा की है और सीटेट 2021 का परीक्षा के इंतज़ार कर रहे जो भी अभ्यर्थी थे उनके लिए अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता दें कि इस बार जो आवेदन की संख्या है छात्रों की वो कम रहने वाली है, यानी कि परीक्षा में कम से कम यहाँ पर छात्र बैठेंगे, क्योंकि अभी तक जो सीईटी होता था या टीईटी होता था वो केवल 7 वर्षों के लिए वैलिड होता था या 5 वर्षों के लिए, लेकिन अब इसकी जो वैधता है वो लाइफ टाइम रहेगी। तो जो पुराने भी सर्टिफिकेट थे 2011 के बाद उनकी भी वैधता लाइफ टाइम हो गई है। इस कारण से इस परीक्षा में अभ्यर्थी कम बैठेंगे, तो जो नए अभ्यर्थी बैठेंगे उनके लिए अच्छी अपडेट है। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में जैसे कि अपडेट है कि सीटीईटी के लिए 20 जुलाई से शुरू हो सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। सीबीएसई की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के जो आवेदन की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है। अगर हम घोषणा की बात करें तो ऑफिशियल घोषणा आपको 15 जुलाई के आसपास मिलेगी, क्योंकि यहां पर बताया जा रहा है कि जो इसके आवेदन हैं वो 20 जुलाई से शुरू हो सकते हैं और इसकी जो घोषणा है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको 2-4 दिनों में देखने को मिलेगी 20 जुलाई से आवेदन शुरू होने की स्थिति पर। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी होगा इस ऑफिशियल वेबसाइट पर, हम अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको अपडेट देंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।